Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. 287? भाईजान आपको क्या हो गया? आप क्यों उधर शक्ल बना के बैठ गए? 287 मार मार के बुरा हाल। ओए हो, अल्फाज नहीं है एक्सप्लेन कर सकें जिस तरह की धुलाई हुई है। तो आज भाईजान सीधे हो जाए। खैर खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आओ, नहीं नहीं नाराज नहीं होते अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे। आज दो पॉइंट मुझे मिलने चाहिए, अगर नहीं होते आज दो पॉइंट लेने चाहिए मुझे। दो पॉइंट 187 287 काश ये वन होता तो आज ठीक है, उम्मीद है ठीक है। 287 तो 287 रन्स जैसा बड़ा टोटल। ओए होए होए, ट्रैविस हेड 39 बॉल सेंचुरी। आज सुबह ही मैं ये बात कर रहा था और कि अगर वही हाल हो गया कि जो मुंबई का हाल किया था इन्होंने, मतलब 277। आज सुबह वाली वीडियो में हम ये बात कर रहे थे मोहसिन साहब कि अगर वही हाल हो गया कि जो मुंबई वाला हाल हो जाएगा, 277 हुआ था, तो आपने कहा था बस फिर तो छुट्टी हो जाएगी। तो ये फिर छुट्टी हो गई है, 277 हो गया भाई। तो दिस इज क्लासिक हिटिंग। अल्फाज ही नहीं समटाइम्स मिलते कि भाईजान इस तरह की ब्रूटल हिटिंग को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, कैसे बताया जाए। तो इतनी ब्रूटल हिटिंग हुई है। और जब आप फेयरलेस खेलते हैं, जब आप बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के खेलते हैं, जब आप एक अपना ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं कि जी हम इस तरह के क्रिकेट खेलेंगे, तो फिर ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। इनको देख के तो 1996 वाली श्रीलंका की जयसूर्या वाली और कालू वेदरना वाली ओपनिंग जोड़ी और टीम, मतलब वो याद आ जाती है। ऐसा उसका भी खौफ और दबदबा था जैसा खौफ और दबदबा अभी ये हैदराबाद वालों ने डाला हुआ। इसी आईपीएल में 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा 270, और इसी में ही दो चार मैच के बाद उसको दोबारा से और भी आगे लेके गए। 287 ट्रैविस हेड, अभिषेक, क्लासन, समद, एवरीवन, किसी एक ने भी नहीं बख्शा। और ये है जी, ये आज आरसीबी ने जो हासिल किया है, एक्चुअली वो ये डिजर्व करते थे। सबसे घटिया बॉलिंग इस पूरे आईपीएल में, अगर सबसे घटिया बॉलिंग अगर किसी एक टीम की है तो वो आरसीबी है। तो फिर ये रिकॉर्ड तो मुंबई की बजाय आरसीबी के नाम सजना चाहिए था। तो वो फिर गलती जो है वो ठीक हो गई है। वो दो चार मैचों के बाद ही वो वाला जो रिकॉर्ड है वो अब आरसीबी के नाम चला गया। 287 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो जी मोहसिन अली साहब, ये तो मोए मोए काम हो गया, मोए मोए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। 2008 से लेके 2023 आईपीएल 250 के रन सिर्फ दो दफा, 2024 250 के रन तीन दफा ऑलरेडी बन चुके हैं। और आप कह रहे हैं सबसे घटिया बॉलिंग जो है वो आरसीबी की है, तो आपकी सनराइजर भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। उस दिन मुंबई थैंक्स टू अपना कप्तान जी हार्दिक पांड्या, वरना रगड़ गया था उस दिन मुंबई भी इस टॉप क्लास बॉलिंग को। हाँ रगड़ देना, हाँ नहीं सुन लेना, अगली बात आपने रोक दिया मुझे। हाँ ये बात सच है कि वर्स्ट एवर बॉलिंग जो है वो आरसीबी की है, इसमें कोई शक नहीं। आरसीबी के जो फैन है मैं इनसे माफी मांगता हूँ, आप बहुत दिल गुर्दे वाले हैं, अल्लाह की कसम। ऐसी बहू, ऐसा शौहर, ऐसी बीवी किस्मत वालों का नसीब होता है, जो इतने अतात गुजार हो, इतने नेक दिल हो, इतने फर्मा बरदार हो, जिनकी आगे पीछे से तो नहीं चढ़ाई जाए और फिर भी कहें दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। अगली सुने सुने रिजवान अदर, आरसीबी ने जो आज बेंच किए हैं प्लेयर, कैमरून ग्रीन 17.5 करोड़, जोसेफ 11.5 करोड़, ग्लेन मैक्सवेल 11 करोड़, सिराज 7 करोड़, तो 17 और 12 29 29 और 11 40 40 और 7 47, 4 प्लेयर जो है आधी से ज्यादा जो आरसीबी की किटी है ना 90 करोड़ की, उसकी आधी से ज्यादा
कि टीम चार प्लेयर की और चारों बेंच गर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। टॉपली द मोस्ट इट शोज देयर माइंडसेट कि यहां से फारग है वो, जब वो उस टेबल पे जाते हैं जहां पे उन्होंने प्लेयर्स को पिक करना होता है, उल्टे पुल्टे पैसे इधर उधर बांट बूट के आ जाते हैं, दे गेट नथिंग। बिल्कुल ट्रेविस हेड 20 बॉलों में 50, 19 बॉलों में 50, 100 कितनी बॉलों में, 39 बॉल्स में। अब भाई आगे चले, 23 बॉलों में 50 क्लासन कर रहा है, 76 का पावर प्ले है, 7 ओवरों में 100 है, 11.2 ओवरों में 150 है। ये तो अभी मकरम आपके लिए खेल रहा था, वैसे तो मुझे मकरम आपके लिए खेल रहा था, ये दयाल ने वो वटा बॉल वो नो बॉल डाल दिया, आउट हो गया था, बड़ा अच्छा कैच पकड़ा गया। तो भाईजान 287, ये 300 का फट्टा था, दुआएं दे बीच में मकरम आ गया, अगर मकरम ना आता ये 300 रन पक्के आईपीएल की हिस्ट्री। वो भी 190 के स्ट्राइकर से टूटता 300। तो भाई मेरी जरा नेचर है कि मैं थोड़ा हम्बल ही रहता हूँ, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप आज तो अभी ही चेंज कर दें पीछे। वो क्या पॉइंट चल रहे हैं जितने भी चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उसमें आप तब्दीली कर ही दें तो अच्छी बात है, क्योंकि आप यहाँ से आप कोई उम्मीद नहीं है कि आप कुछ खास कर पाएंगे। अच्छा जी, तो वी हैव वाटर शॉर्टेज इन बेंगलुरु, सो पीपल आर सेंट टू डू द वर्क फ्रॉम होम बैक टू द सिटी। आई मस्ट इन्फॉर्म देम दैट इट रेन्ड हेवली। हाँ भाई बिल्कुल जी, ठीक कर दिया आपने, बाद में मैंने आपका टाइम बचाया, बहुत ठीक किया, बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरा एक घंटा बचा लिया। मतेश जी सही बात है, 60-70 गेंदों पे 100, 39 गेंदों पे 100, सो फर्क तो है, फर्क तो बिल्कुल, मजा आ गया जी। आरसीबी जीत गई तो 10 पॉइंट, मौसम भाई आप कमाल कम बोल रहे हैं, अगर आरसीबी जीत गई तो 10 पॉइंट मिलेंगे जी, तो हार गई तो फिर 5 मुझे मिल जाएंगे, तो मैं ये मंजूर है मुझे शर्त, अगर मोहसिन भाई को मंजूर है तो मुझे 1 पॉइंट दे दे, यहाँ से 100 पॉइंट देता हूँ, 100 ले क्या, 100 क्या, आरसीबी जीत गया आपको 100 पॉइंट देता हूँ, आप मुझे मेरी टीम हैदराबाद, आप अपनी टीम पे लगाओ बैट, लगाओ इतना ही आपके अंदर टीम में बैट लगाओ, इतना ही डाल है आपके अंदर, मैं आपको 100 दे रहा हूँ, 100 तो 100 पॉइंट में तो टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, तो आप आपको बैट लगाओ ना बस। हाँ जी, माय फेवरेट दिल्ली कैपिटल पंजाब एंड आरसीबी नेवर फेल टू एंटरटेन, मिस्टर पी लाल शुड सरेंडर नाउ एंड ट्राई नॉट टू कम्पीट विद अस विनर 2024। कल रिजवान अदर ने लाइव इस वाले शो में कहा था कि ये पॉइंट तो पक्का था, अब इस पनौती लाल ने कह दिया, तो अल्लाह रहमत शर्म के मारे ये बंदा कल छुपा रहा, आज देखे निकल आया। अब ये ना कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाए 287 भी इसकी वजह से चेंज हो जाए। अच्छा भाई, ये जो बीच में आके आप एडवांस मुबारकबाद दे देते हो ना, लेकिन आज चलो थोड़ा सा मैं भी आप भावनाओं में बह जाता हूँ, क्योंकि 287 है तो चलो ठीक है, आज हम फड़ियां लगा सकते हैं, आज हम तड़ियां लगा सकते हैं, आज हम जरा ओवर कल क्यों नहीं आया, ओवर कल क्यों नहीं आया, हाँ भाई कल क्यों नहीं आया भाई है मिस्टर हिडन लाल, है छुपू लाल, बाबू लाल, अंकल कोई तो रोक लो ट्रेविस हेड को यार, ये क्लासन का क्या करें जनाब, और वर्ल्ड कप का खतरा लग रहा है जी, अब तो आज भी तो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा कसम से, क्या बॉलर है, 8 बॉलर्स भी नहीं कुछ कर सकते भाई, भाई का कुछ
वो देखे ऊपर से मिल जाए कि अच्छी बली बॉलिंग कर गया तीन ओवरों में, इट वॉज नॉट बैड स्पेल, और हेड के आ गया आपने उस बिचारे को, पांच रन का ओवर था रिजवान, पहला ओवर पांच रन का था, सात रन, और यार सात रन के था, और उसके बाद देखे क्या हुआ, कार्नेट विजय कुमार विषय, कोई भी किसी की बख्शिश नहीं हुई, किसी की बख्शिश नहीं हुई, छत के ऊपर गए हैं छक्के, छत के ऊपर कई गेंदे गुम हो गई, 106 मीटर का छक्का मारा क्लासन ने, और जितने भी फील्डर थे इंक्लूडिंग विराट कोहली, दे कैप्ट लुकिंग ऐसे ही है, ये आ रही है ये जा रही है, ये आ रही है ये गेंद जा रही है, तो भाई फील्डर्स के भी जो गर्दने हैं वो ऊपर ही रही है कि भाई ये तो हाथ में भी नहीं आ रहे, इतनी दूर दूर जा रहे हैं, इनका क्या किया जाए, इतने चौके इतने छक्के, बिल्कुल पागल कर दिया, और क्राउड भी मजे ले रहा है, मारो हमें और मारो, हमारे बॉलर्स का और कुछ उम्र निकालो, इनका दलिया बनाओ जरा, इनको पता चले, आज वैसे इन्होंने अपनी तरफ से एक अच्छा मूव किया था, जो दो इंटरनेशनल बॉलर डाले थे, दो फॉरेन बॉलर डाले थे, एक फर्गूसन और एक टॉपले, वो किस्मत खराब की उसी मैच में ही इनका बुरा हाल, भुरकस भी निकला तो उसी मैच में निकला, कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, तो भुरकस भी वहां निकला जहां पे ऑडियंस का समंदर था, वाह वाह वाह, कोई रिदम पता नहीं बना कि नहीं बना, लुकिंग फ्रेश दिस बाय, इतना मारा है कि बेचारे फैंस को टिकट रिफंड करना चाहिए। स्नैन चट्टा साहब थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब देखिए एक टाइम आता है ना, फिर फैंस कहते हैं यार मैच तो हार ही गया, तो चलो ठीक है और जरा चौके छक्के देख ले हम, और जरा मजा आ जाए, तो फैंस भी वो पूरा मजा ले रहे इस मैच का, वो पूरा मजा ले रहे इस तरह की ब्रूटल हिटिंग का, वो भी कह रहे हैं ठीक है भाई अब हमारी टीम पिट रही है, वो तो सारी बजा रहे हैं, लेकिन कोई इस तरह का इनको बजा के जाए तो शायद थोड़ी शर्म आए, शायद थोड़ी हया आए, शायद अगले साल कोई अपनी बॉलिंग पे तवज्जो दे, को लाए और हेड को बाहर कर दिया, और अभिषेक पहला ओवर कर रहा है तो कोई पीछे मुड़ के ना देखे, ठोक दे बस, इंडिया तो जीता हुआ, आरसीबी का नहीं जीता, इंडिया तो आपका T20 जीता, वनडे जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता, लैक ऑफ बॉलिंग एक्सपीरियंस, नो वाइड यॉर्कर, देखो मार तो पड़ी जाती है लेकिन बॉलिंग जो इतनी बकवास करवाई है, बिल्कुल सही बात लिखी आपने रजत अग्रवाल साहब, आई वॉज वॉचिंग मैच लाइव, कोई अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग नहीं कराई, कोई लाइन और लेंथ का ख्याल नहीं रखा, बस आ रहे हैं जोर लगा रहे हैं, बॉलिंग करा रहे हैं, छक्के खा रहे हैं, चौके खा रहे हैं, और बस जैसे रिपोर्ट लगे हुए हैं, जिसमें यहाँ पे भाई तुम सोच के बैट्समैन क्या खेलना चाह रहा है, उसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कोई यॉर्कर लेंथ हिट करने की कोशिश करो, और जो पेस भी चेंज कर रहा है वो विजय कुमार भाई, वो इतना कुछ स्लो कर रहा है कि बंदा पिच पे खड़ा होकर पहले अपने दांतों में तीली से सफाई कर ले, गेंद आ रही आ रही आ रही है फिर छक्का मार दे, भाई उसका भी कोई तरीका होता है, मतलब बेकार, बिल्कुल आपने सही बोला। और आप क्या कह रहे हैं आगे, आरसीबी एंड हाईएस्ट स्कोर मेड अगेंस्ट आरसीबी सल्यूट, हाँ जी, जो इनका रिकॉर्ड था आरसीबी का वो भी इसी आईपीएल में तोड़ा है हैदराबाद ने, और अब वो अपने ही रिकॉर्ड को मजीद स्ट्रेंथन किया है, और आयरनी इज दिस, इट केम अगेंस्ट आरसीबी के जिनका पहला रिकॉर्ड तोड़ा था उन्हीं के खिलाफ ही, कोहली हल्की एसआरएच बॉलिंग को 150 मारे 50 गेंदों पे, 50 पे तो भाई 120 आ जाए तो भी हल्की बात है, हल्की एसआरएच की बॉलिंग, भुवनेश्वर कुमार कमिंस ये हल्की बॉलिंग है, नहीं वो तो आप ही की बात कर रहे हैं, आपने कहा ये भी पूरा करवाने लगे थे हैदराबाद वाले भी 250 करवाने लगे थे, पूरा करवाने नहीं लगे थे, तो वो उसी बॉलिंग के खिलाफ वो कह रहा है आरसीबी की, तो वो कह रहा है कोहली भी कर दे आरसीबी की, नहीं कोहली तो आया ना,
कोहली ने कब किया 150 बॉलों में, तो आज कुछ करे ना स्पेशल यार। माजरत के साथ मसला पता क्या, एक कौम की निशानदेही ना उसकी पहचान ऐसे भी होती है कि वो किस सिमत जा रही होती है। चले प्रवीण बजाज के जनाब, आरसीबी हर सीजन के रिकॉर्ड तोड़वाता है भाईजन, ऐसा ही है आरसीबी के बस। मोहसिन भाई यू मस्ट फॉल विद द शिप, नहीं शिप में ही है, वो कौन सा छोड़ के जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है जीना होगा मरना होगा इसी शिप के साथ ही, उन्होंने तो नहीं बोला, उन्होंने वो तिफल क्या बजे सवारी, हाँ तो उन्होंने तो नहीं कहा कि जी मैं छोड़ के हैदराबाद की टीम की तरफ जा रहा हूँ, वो इंटैक्ट है अभी आरसीबी की तरफ जा रहा हूँ, आइंस्टीन इसलिए बोला हम जमाना पता नहीं चला गए 61 बॉल पे 100 और यहाँ पे 39 बॉल पे 100, पर हम लोग उसे भी खुश हो जाते हैं, फिर हम लोग T20 निकालो ना अपने इनको, ये जो स्मार्टिया बनती गए हुए सारे निकालो ना बाहर, हिम्मत तुम में है नहीं, आके मैसेज कर देते हो। अच्छा जी तो आज तो देखिए 10 गेंदों पे 37 अब तो समझ न भी किया, और उधर विराट कोहली सिंगल वगैरह 3 बॉलों के बाद एक सिंगल लेता है, ये स्कोर करेंगे। हाँ जी तो आज भाई साहब 10 गेंदों पे 37 तो अब्दुल समद ने भी किया है, चलो 60 गेंदों पे 100, 67 गेंदों पे 100, लेकिन आज वो पिच का फर्क होता है, बॉलिंग अटैक का फर्क होता है, यहाँ पे ये बैटिंग पैराडाइज है, हर बंदा ये कह के जी बैटिंग पैराडाइज, तो 225 तक तो इनको भी जाना चाहिए, 225 तो इसको भी छूना चाहिए इनको, चलो ये 39 पे नहीं 50 गेंदों पे 100 करें, यहाँ तो करें कुछ तो करें, शुक्र है चौका फाइनली चौथी 3-2 डॉट्स खेल के एक चौका मार लेता बस, यही कोई कर सकता फिलहाल तो भाई 225 तक तो पहुंचो, यहाँ पे कुछ तो करो, यहाँ पे 225 इतना तो कर सकते हो कि नहीं। चले अभी टॉप 5 जो है वो इंडियंस ही है जो ऑरेंज कैप है। अच्छा जी रिस बहुत मासूम है इसलिए थोड़ा घबरा जाता है, अदरवाइज हिज फीलिंग्स आर आल्सो द सेम, या डाइवर्स बिजी रेज आपको और मिस्टर पीएल से बुली नहीं होना, नहीं भाई मैं आपको कॉन्फिडेंट हूं, जिनके अंदर थोड़ी सी इतनी सी होती है ना उन्हें शर्म आनी चाहिए बस, आप तो बात ही ना करें, आपको तो बात ही नहीं करनी चाहिए, भगोड़ा लाल यू आर अ भगोड़ा लाल, क्लास से भी भाग जाते थे यहाँ से भी भाग जाते हैं, मिस्टर भगोड़ा लाल जब टीम कुछ करती है आ जाता है वरना मसरूफ होता भाई, ये कौन सी बात है, ये तो अपना स्टाइल है ना भाई, ये स्टाइल ही है भगोड़ा वाला स्टाइल है अपना, कि जब दिल करेगा तब बंदा आएगा, जब दिल करेगा बंदा आएगा, ये तो अपना स्टाइल है, छक्का मार दिया कोहली ने भाई, चलो छक्का आया शुक्र है, थोड़ा बचाए संदीप आनंद को भी नहीं जनाब समीर साहब मुझे क्या कोई बुली करना है किसी ने, लेकिन ये है कि आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ आपके साथ, 287 पे तो जाहिर है हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जहां पे मैच फंसा हुआ हो तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इंतजार कर लिया करें, तो मैच के बाद जाहिर है वो तो हम जुमले बाद में भी कह सकते हैं, नहीं तो मैच के बाद क्यों काम पड़ जाता है जब हारते हैं तब क्यों काम पड़ जाता है, आज देखे ना वो पीछे जरा मोहसिन भाई जरा पीछे करें गर्दन, ये देखे पहले से लिखवा के रखा हुआ है 15 थे लेकिन मैच अभी चल रहा है तो पहले से 16 लिखवा दिए, तो आप कह रहे हैं कि जी आप बुली हो रहे हैं, हमने तो पहले लिखवा दिया है कि भाई मैच का नतीजा तो बाद में आप पहले चेंज कर दें, नहीं आपको इनकी तरह इंपोर्टेंट थोड़ी है, स्टैंड अप मैदान में थोड़ी जिंदा रहते हैं, भगोड़े थोड़ी है कि मैदान से भाग जाए, मुझे काम है मेरे फलानी जगह कुछ हो गया अब मैं सो रहा हूँ अब मैं जाग रहा हूँ अब मैं लेट रहा हूँ पता नहीं है सरज की एक्सीलेंस है या आरसीबी का एक और बॉलिंग फेलियर, क्योंकि ये दूसरी बार इस सीजन में हार चुके हैं एसआरएच, पहले 270 और अब 287 है भाई, और अब वो दिन दूर नहीं जब 250 भी सेफ टोटल नहीं हो, देखे उस दिन तो मुंबई खींच के ले गया था, उन्होंने भी 10 ओवरों में 150 डाल दिया था, वो तो पांड्या जी जरा ओडीआई इनिंग खेल के 20 गेंदों पे 24 वाली, वरना तो
काम खींचा गया था उस दिन भी. आरसीबी हैव लर्न्ड नथिंग फर्स्ट डे ऑफ आईपीएल 2008 और मैकुलम ने भी 158 डाला था जी. वो दिन और आज का दिन छक्का ले छक्का ले कॉन्फिडेंस इनकी बॉलिंग का जो है ना छक्का भी लें फैफ का. मारा भाईजान एक दो छक्के ना कुछ 10 छक्के लगे तो फिर बताना आप. एक दो से कुछ नहीं फर्क पड़ता. यो हार्ड खेलना भाई इस टाइम पे इतना रन और पिटाई के बीच एक ऐसा बॉलर बुमराह ही है जिसकी इकोनॉमी 6. भाई अब उस जैसा और कहां है, उस जैसा अब कहां से लाइन ढूंढ के. मिस्टर पीएल लाल की ऑफिशियल टीम है आरसीबी. हा 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 व्हाट अ पिक. एवरीवन आर रनिंग अ कैंपेन और सुंदर मिस्टर पी लाल. बाय बाय पीएल, टाटा मिस्टर पीएल. भगोड़ा लाल, पकोड़ा लाल और हगोड़ा लाल, ये तीन लाल आपके साथ है. ये आप वो लोग हैं जो भाग जाते हैं मैदान छोड़ के. हम मैदान से नहीं भागते, हम सूरत हाल का सामना. मैं आपकी तरह बिजनेसमैन नहीं हूँ कि बिजनेस करो दिमाग से जाऊं. डील हरिंग में पैसा है, फायदा है. हम दिल का सौदा करते हैं, दिल के साथ करते हैं, ऐसी की तैसी. हाँ तो समीर साहब आप तो तब उनको ट्रोलिंग करेंगे, वो बोलेंगे नहीं जी मैं जा रहा हूँ आरसीबी नहीं ले रहा. तो जब वो आरसीबी के साथ है वो बंदा तो ना जाता भाई एक मैच जीते सारे मैच जीते. मैं आरसीबी के साथ हूँ. मुंबई इंडियन को कहा था ये पहला पॉइंट दिलवा रहा था. Where is he? आप ये मैसेज एक और छक्का भाई जान इधर छक्के लग रहे हैं आप कुछ देख के. आप क्या इधर रोला डाल रहे हैं. हाँ तो समीर साहब जब ये बोलेंगे कि जी मैं आरसीबी छोड़ रहा हूँ उस दिन हम ट्रोलिंग करेंगे. फिलहाल ये इसके साथ ही है और वो कह रहे हैं जी मैं आरसीबी के साथ ही हूँ. तो फिलहाल अभी नहीं, जरा होल्ड योर हॉर्स. ओवरसीज एंड अनकैप प्लेयर हैव हाईएस्ट स्ट्राइक रेट एट ऑलमोस्ट ऑल पोजीशन एक्सेप्ट स्काई बॉलर एक्सेप्ट बुमराह एंड कुलदीप नंबर वन बोथ ऑलराउंडर आउट ऑफ फॉर्म. हाउ जी इंडिया फेवर भाईजान वो तो जब नहीं. पहली बार तो हमने इंडिया फेवरेट नहीं कहा, नंबर वन. नंबर टू अभी तो आईपीएल चाहकर आईपीएल पे वादा है इंटरनेशनल क्रिकेट को जांचने का, तो आपकी मर्जी है. नहीं वो तो जब स्क्वाड अनाउंस होगा फिर वही तो कह रहा हूँ. अभी तो अभी इतना अर्ली आप कैसे कह सकते हैं. तो आप बताएं कोई एक टीम दुनिया की के जिसके खिलाड़ी खेल रहे हैं आईपीएल में तो सारे के सारे ही परफॉर्म कर रहे हैं. सारे के सारे तो किसी के भी शायद नहीं परफॉर्म कर रहे. न्यूजीलैंड आधा से ज्यादा तो बेंच पे बैठा हुआ है. साउथ अफ्रीका वाला ये अच्छा क्लासन वगैरह क्लासन और ये तो किसी भी टीम के ऐसा नहीं है कि कोई सारे के सारे परफॉर्म कर रहे हैं. कोई कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे. वाह 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 कोहली वाह. ऑरेंज कैप है जीरो वैल्यू इन विनिंग गेम. स्ट्राइक रेट तो बाकी बड़ा. भाईजान क्या हो गया इतना रोला डाल दिया क्या हो गया. कोई नहीं आप दिल मजबूत रखे अभी बड़े खुश हो रहे हैं. चलो ठीक है आप खुश हो जाओ जरा अभी तो बड़ी पिक्चर बाकी है. हाय रिजवान भाई मौसम भाई मैक्सवेल सिराज जोसेफ ग्रीन 47 करोड़ सिटिंग ऑन द बेंच आरसीबी टोटली आउट ऑफ माइंड एंड हैदराबाद को बताओ कि दे आर प्लेइंग T20 नॉट 50 ओवर मैच. जी हैरी जंजुआ साहब जब आप बगैर किसी खौफ के खेलते हैं, जब आप फेयरनेस क्रिकेट खेलते हैं, जब आप कहते हैं कि जी हमने न्यू हाइट्स को अचीव करना है और हमने डराना है बाकी टीमों को दबा के रखना है, वो जरा हमारे रोब और दबदबे से कांप उठे कि जी आज उनके साथ मैच है, तो फिर आप इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं. क्या हो गया भाई जान अभी चौथा ओवर है 50 ओ भाई अभी भी आपका जो रिक्वायर्ड रन रेट है उससे नीचे ही आपका रन रेट. आप इतना आपको एंजॉय करें अभी 13 पे बैटिंग शुरू हुई है.
इतना रोला डाल दिया, मैं समझा शायद सिर्फ खाली 50 रह गया, 250 हो गया। भाईजान अभी 250 भी हो जाएगा, सबर तो करें। परेशान हो गया, चौकी चौकी तो आप एक ओवर में तीन तीन चौके मारे, आपको किसने रोका? एक फिर मजा आए, किसी तरह ये बात मारे, तीन तीन चार चार चौके, आपको किसने रोका? एक ओवर में तीन चौके हो गए, सिंगल हो गया, 13 आ गया, रिक्वायर्ड रन रेट पे आ गए, बस अब मैच जीत गए। फिर 3.5 ओवर 52 ले ले, बले बले। ये आप ना अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं खाली भाईजान, कोई नहीं, आप घबराए ना, वो घबराने के लिए आपके पास एक हमने रखा हुआ पनौती लाल। मैं नहीं, देखे आप इतने कॉन्फिडेंट होते तो आप कभी भी पीछे नंबर चेंज ना करते, एक और लीजिए, आप पीछे मैच आप चेंज ना करते, आप कहते कि नहीं भाई, वो बेवकूफ होते हैं, नॉनसेंस होते हैं, जो सही बात को माने ना। मैंने अपनी लाइफ में कभी सही बात पे आर्गुमेंट नहीं की, जिस बात पे मेरा दिमाग और मेरा जमीन जो है मुझे कह नहीं ये ठीक कह रहा है बंदा, मैं वो बात फौरन मान जाता हूँ, ये मेरी आदत है। ठीक है, तो चले आप, ये आप भी करवा देते मेरे से, ये अगर हुए होते आप भी कहते हाँ भाई लिखी दे तू एक पॉइंट। बात तो सही है, 287 के आरसीबी की बॉलिंग है, फिर भी आप कहते यार 287 है, चल भाई लिख ही दे 287। और ये सिर्फ पिछले आईपीएल ओवरऑल भी मेखल में T20 का ये रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा, इससे ऊपर नहीं हुआ कभी भी, तो नहीं हुआ। कोई मजेदार किस्म का कोई क्लोज पहुंचो आप भी यार, चलो 200 अगर नहीं ओवर द लाइन जा सकते, कोई 250-60-70 मजा आए जरा, मतलब पता चले कि लड़के हारे हो, अगर हारे भी हो तो ऐसा कोई फैंटी लगाओ आप भी। सही मैं बात आपके साथ हूँ, सही बात है, मैं आपके साथ हूँ, आप 270 करो, 80 करो, मैं कह रहा हूँ 250 कर दो, मैं कहूंगा वेरी गुड, हाँ कुछ ऐसा करो बस कुछ। अच्छा जी, 76 का तो रिकॉर्ड तोड़ो कम से कम। आई एम नॉट फैन ऑफ आरसीबी बट आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन इफ द वर्ल्ड इफ आरसीबी सक्सेसफुली चेज दिस टारगेट। मजा आ जाएगा जी आज तो जी, अगर ऐसा करके तो फिर ही मजा आएगा ना, तो मैं भी चाहूं जरा ये मजेदार भी काम हो। अभी तो सिंगल ही बन रही है भाई, दो बॉलें दो रन, गेम्स का 70 कह रहे हैं, अगर पावर प्ले में 90 बनेगा तब जाके कमिंस को टेंशन होगा, वरना ही विल बी रिलैक्स्ड बिलो 90। कोहली डोर डुप्लेसिस शुड पुट 115 10-12 भाई, ऐसे ही बनते पावर प्ले में 80 रन बन जाए आई विल बी हैप्पी। भाई जान 80 के साथ भी आप पीछे रहेंगे ना काफी, क्या हो गया? तो चलो बनाओ फिर, तो मैं तो कह रहा हूँ ये अगर 80 रन का पावर प्ले खेले आई विल बी हैप्पी। मिस्टर पीएल को हरा के बहुत मजा आया जी, दिल खुश हो गया जी, और let him dream about winning. I'm going to sleep now. Kal milenge ji. Good night. I know you very well. Who dream and who lives in reality? Ab isko dar lag gaya. Ab 60 run ho gaya. Chalo bhai so jate hain. Kahe ye na ho bistar geela ho jaye mera. So ja beta jaage. Mr. Bhagoda Lal as always. Rain away. नहीं भाई, वो एडवांस में कह रहा मैच जीत गया 100%। तो छोड़े यार, ये तो 4 दिन पहले भी हमने 100% देखा, आज असर जो आरएच से ज्यादा तो रिज वर्सेस मोसे चल रहा है। अरे ये तो थोड़ा बीच में शुगर मेला लगा लेते हैं, हमारा कौन सा कोई इधर कोई शर्तें लगी हुई हैं, जुए चल रहे हैं। नहीं हम नहीं चिल्ला रहे हैं, रिज और मैं तो चिल्ला ही नहीं रहे, आज तो हम इस भगोड़े लाल के ऊपर बात कर रहे हैं भाई।
Sad, Faf, Kohli, both captains, no ICC or IPL trophies. बात तो सच है, बात है रसवाई की. और भाईजान ट्रॉफियां पैमाना है, ट्रॉफियां अगर पैमाना है तो लारा के पास नहीं है, कालिस के पास नहीं है, तो भाईजान आप खुश हो रहे थे, ये अब ठंडा ही हुआ है आपका. क्यों भाईजान ठंडा क्यों हुआ है? 70 रन हो गया है, 5 ओवरों में छक्का आ गया, 2-3-4-5 आपके चलो 2-4% चांस बन गए, खुश हो जाएंगे भाई जान. अभी 17 बालों में 38 ठीक है कोहली के, 17 बालों में 38 ठीक है या नहीं ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है. रिस भाई, इफ वी जस्ट imagine that RCB win this match, then Sameer bhai will take any team in the future. Rajat bhai, fir to main unko ye bolunga ke bhai aadhi aadhe match mein na kabhi zindagi mein koi mubarakbad nahi deni. Nahi aap message nahi lena, aap message nahi lena. Kal bhai matlab power play ke baad acha matlab chal raha hai, 70 rupaye koi out nahi hai, maze se hi chase chal raha hai, all of a sudden collapse, ta victory giri. कहानी खत्म, पैसा हाजम. तो चलो जरा मजेदार चल रहा मैच, फिर देखो आप भी, हम भी देखते हैं जाके. वाह, दिल खुश हो गया. ठीक है, दिल खुश रखें अपना, आप हंसते मुस्कुराते ठीक लगते हैं आप भी. मार्जिन 80 ना का आधा 80 तो हो ही जाएगा, यू नेवर नो, 90 के करीब ही पहुंच जाए पावर प्ले में. हाँ चलो ठीक है, तो समझ नहीं आ रहा उसे, क्या डर लग रहा, क्या हुआ, आए ना बॉल क्यों नहीं कर रहा, 288 स्कोर है, आए ना बच्चों का गेंद ही अगला ने डॉट किया, देख तो. ओ यार क्या हो गया रिस्पांस, ओ हो पहला गेंद ही डॉट किया अगले ने, कह रहा बच्चों को अगली बड़ा छक्का ले आप, ये कौन सी बात है, मैं आ रहा हूँ, मैं पैट कमिंस है मेरा नाम, छक्का ले ले, छह ना तो going fast over. जी बिल्कुल, इनको तेज 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 और बहुत ही तेज बैट पकड़ के आ जाए, शायद आप फास्ट इससे ज्यादा खेल ले. 76 रन पावर प्ले में बनाया, 74 इनका हो गया, अभी 4 बॉलें रहती हैं, और क्या करें, बच्चों की आप देखे इतना अच्छा खेल रहे हैं फिर भी रिक्वायर्ड रन रेट से पीछे हैं, रिक्वायर्ड रन रेट से पीछे हैं, रिक्वायर्ड रन रेट को पार करो भाई, क्या चल रहा है जी, कोहली आउट भी हो जाए तो भी गम नहीं, आन खुल के खेलो, अगर आउट, हाँ तो जाहिर है खुल के खेलें, बेशक आउट हो जाए, विकेट बचा के कौन सा मतलब, ये टेस्ट मैच चल रहा है जो सही बात है. अबे यार क्या तू बॉलों पे बॉलें जाया कर रहा है, मरो या मरो या डॉट या खेलो या आउट हो या छक्के मारो, तीन बॉलों में एक चौका, फैज साहब को ये कुवाड़ा सही तरह घुमाए, 80 मैंने कहा था 5 ओवरों में 6 ओवरों में पावर प्ले में, अब कोई भगोड़ा लाल, कोई हगोड़ा लाल, कोई कुछ और हो, हमने 80 कहा था. देखिए बात दरअसल ये है कि इतना अच्छा खेलने के बावजूद आप रिक्वायर्ड रन रेट से पीछे हैं. भाईजान कोई बात नहीं, अभी तो मैच शुरू हुआ है, आप टेंशन में आ गए, शुरू हुआ अभी तो, एंड पे हो, एंड हो गया मेरे ख्याल में, सिंगल ले लिया, क्या लुगुड़ू सा है ये, 5-4 बॉलों में 5 रन. चलो कोई नहीं कोई नहीं, अब वो कोहली कह रहा कम ऑन, पावर प्ले भी खत्म, दायरा भी खुल गया, अब ना वो चौके ना वो छक्के, ये दायरा है कितना, दायरे और ग्राउंड में फर्क कितना है. चलो ठीक है ठीक है, मार दे छक्का कोहली, इनकी कर दे टोली पोली चोली. समझ, वैसे बहुत खौफनाक खेल के गया उसने, बहुत टॉपली को कुट दिया, 9 गेंदों पे 37. ओए होए वो हमारे लिए खेल के गया ना मकरम. अच्छा भाई मारो अपन को, और चौके मारो छक्के मारो, कोई मजा आए. कोहली साहब ने खुश हो गए पांचवीं बॉल पे भी, कोहली साहब ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो बल्ले से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आपकी सारी खुशी छीन लेते हैं वो अगली गेंद पे. भाई जन देखे 20 बॉल में 50 कर गया तो इनकी बिगलो बंद हो जाएगी, क्लासन ने 23 बॉलों में किया, जैसे खुश होते हैं चौका लग गया छक्का लगा, अगली दो तीन डॉट हो जाती है, आपकी चेहरे की सारी
मुस्कुराहट छीन के ले जाते हैं वो, कोई बात नहीं like अभी तो गेम शुरू हुई है, खुश हो जाओ, लग गया चौका, खुश हो जाओ भाई। जब देखे 19 बालों में 42 आ गया वह विराट कोहली का, ये जेन में रखना, ये सारे लपड़ गबड़ बड़े बड़े बड़बोले और हगोड़े याद रखना, 19 बालों में 42 है, which is not good enough. जो सबसे ज्यादा मार धाड़ है 20 बाले में, और उस क्लासन ने जो हाईएस्ट है 23 में 50 किया, हौसला करें अभी। चलो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे मैच के इख्तिताम पे। अच्छा कर रहा है एट द मोमेंट, अभी रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 15 पे खड़ा है और 13 पे पावर प्ले में 79 मिलेंगे मैच के बाद। टेक केयर, बाय बाय।